हेलो दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश, टाइम टू वरी। क्या सच में टाइम टू वरी है या हमें निकल जाना है या एग्जैक्टली डराया जा रहा है बस दोबारा बाउंस बैक होगा? क्या होता हुआ नजर आएगा उससे रिलेटेड हम आज की वीडियो है। हम आज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे मार्केट का व्यू, मार्केट का ओवरऑल व्यू जानते हुए नजर आएंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको क्या करना है, वीडियो जाके देखनी है। जितनी ज्यादा वीडियोज आप जाओगे देखोगे उतना ज्यादा आपका भला होता हुआ नजर आएगा, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और वीडियोस एक से बढ़कर एक वीडियोस है जो कि यहाँ पर आपके लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पर जाइए, देखिए, समझिए, सीखिए, जो वो आपके लिए काम आता हुआ नजर आएगा, ठीक है? और किसी को वाकई में सही से सीखना है हमने क्या किया है मार्केट के दौरान, ठीक है, वो आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल हमारा एक कोर्स है बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल। कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। 8865405011, 8162611037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, 25,000 रुपए का कोर्स, बस 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स डे का ये मंथ है, ठीक है? और इसके अलावा 22,500 का कोर्स होगा, और 1 जनवरी 2025 से, ठीक है ना, ये कोर्स की कीमत 85,000 रुपये होगी। साथ में काम भी करना है तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पर हो सकता है, वो सब चीजों से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो देखिए, क्या मार्केट में क्रैश हो गया है, क्या होने वाला है, वो सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर अमेरिकन मार्केट पे, ठीक है? अमेरिकन मार्केट आप यहाँ पर देख पा रहे होगा कि एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। होप सबको पता है कि ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है ना? तो ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, बट ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। और एक ये यहाँ पर नेगेटिव कैंडल होती है, ठीक है, उस नेगेटिव कैंडल को, ठीक है, हैंगिंग मैन कहते हैं, उसने कैंडल को बनाया, जो हम यहाँ पर अपने कोर्स में सिखाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या नेगेटिव कैंडल, क्या पॉजिटिव कैंडल, सब आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं टिक पाया, और टिकने के बाद चीजें धीरे धीरे नीचे आई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले गिरा, ठीक है, गिरने के बाद भागा, होप देती हुई नजर आया, फिर गिरा, और फिर यहाँ पर और देखोगे और ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है, ठीक है? तो मार्केट धीरे 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 करके यहाँ पर क्या आ रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट कहाँ नजर आती है, सपोर्ट नजर आती है शायद यही सपोर्ट है, ठीक है, जहां से ऊपर ये गया है। बट अगर यहाँ पर नहीं टिकता, पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो दिन मार्केट ऊपर जाता है तो ये खुश मत होइएगा, क्यों, क्योंकि खुश होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना? वो जब मार्केट नीचे आती है ना, तो याद रखिए ऊपर जाके नीचे आती है, ऐसे मार्केट नीचे ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब चीजें ऊपर गई थी तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर जाने का, नीचे आके फिर ऊपर गई थी, ठीक है ना? सेम एज इट इज, जब मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आने के बाद ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर फिर फंसाएगी, जिन्हें निकलना होगा वो दोबारा निकलेंगे और फिर दोबारा फंसाएंगे। तो इसलिए याद रखिए सही तरीके से काम करना है, खुश होना नहीं है, बहुत समझदारी के साथ यहाँ पर चल के नहीं की जरूरत है, ठीक है? जिसके अच्छे खासे रिटर्न बने हैं, रिटर्न को बचाने की जरूरत है। वंस अगर ये लेवल नहीं टिक पाया, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर्स देखेंगे मंडे को कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो मार्केट में ये जो है ये गिरावट थोड़ी सीवर होती हुई नजर आएगी। 40,000 का एक लेवल है वो, और मुझे लगता है कि अगर वो भी नहीं टिक पाया तो सीधे मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश आएगा, जो कि इसे 38,620 के आसपास लेके आएगा, ठीक है? 38,620, या फिर मैं यहाँ पर बात करूं तो लगभग लगभग इधर तक तो आता हुआ नजर आएगा 39,000। तो 1,000 पॉइंट तो यहाँ पर डोजोन्स में गिरते हुए नजर आ गए, ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी। उसके बाद चीजें क्या होगी, रेट कट होने वाले हैं, जैसे रेट कट होंगे, ठीक है, दोबारा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा शायद प्रेशर हो सकता है। काफी लोग यहाँ पर वो भी सिनेरियो जेड रहे कि 2002 में रेट कट हुआ था, फिर मार्केट गिरी थी, 2007 में हुआ था, 2019 में हुआ था, तो वो सब एक रीजन था, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, रीजन को जानो। रेट कट की वजह से यहाँ पर गिरावट नहीं आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक बार डॉट कॉम बबल था, एक बार यहाँ पर 11 क्राइसिस था, एक बार यहाँ पर कोविड था, इस वजह से गिरावट आई थी। उस रेट कट का इससे कोई लेना देना नहीं है, रेट कट होगा, पैसा आएगा, ऊपर जाएगा, अगर कोई क्राइसिस नहीं होता बीच में, मान के चलिए वर्ल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है, और फिर उस केसेस में यहाँ पर रेट कट हो जाते हैं, फिर दोबारा रेट कट को अंजाम दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेट कट से कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, बल्कि पॉजिटिविटी आएगी। बट
अभी मार्केट में रुकने की जगह है, देखने की जगह है, उस चीज को हमें उसके बेसिस पे यहाँ पर काम करना है। तो ये तो हो गया अमेरिकन मार्केट। अब इंडियन मार्केट क्या कह रहा है? इंडियन मार्केट में देखिए तो देखिए स्मॉल कैप सॉरी ये निफ्टी 50 क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, और इसने भी यहाँ पर अपना जो सपोर्ट है ना उसके पास आ गया है। अगर यहाँ से गिरता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली गिरेगा क्योंकि क्योंकि अमेरिकन मार्केट यहाँ पर नेगेटिव बंद हुई है, ठीक है ना, अब यहाँ पर अमेरिकन मार्केट को ये फॉलो करेगा ये इंडेक्स, और यहाँ से ये गिरते गिरते मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर एक लेवल यही नजर आता है मुझे तो, ठीक है कि 24,108, ठीक है यहाँ पर लगभग 700 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट नजर आती है, और अगर ये 700 पॉइंट पर भी नहीं टिक पाया तो यहाँ पर फिर वही लगभग 900 पॉइंट, और 900 पॉइंट पर भी नहीं टिक पाया तो सीधे यहाँ पर जो गिरावट है ना वो शायद यहाँ पर 22,800 का जो ये इंडेक्स है ना 22,800 के आसपास आता हुआ नजर आएगा, जो लगभग लगभग 2,000 पॉइंट होते हैं। 2,000 पॉइंट का मतलब लगभग लगभग यहाँ समझ लीजिए पूरी 10% की गिरावट इंडेक्स में होती हुई नजर आ सकती है। तो उसके लिए क्या रहना है, कॉशियस रहना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी बैंक से रिलेटेड बातें कर लेता हूँ। निफ्टी बैंक भी आप देखोगे तो चीजें क्या है, नीचे आ चुकी है, धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आ रही है, ठीक है, ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, ये भी यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर गया, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, और शायद ये अगेन वही देखा होगा तो हैंगिंग मैंने यहाँ पर एक कैंडल बनाई और चीजें नीचे आती हुई नजर आई, और यहाँ पर सपोर्ट का नजर आता है, सपोर्ट ये है 19,49,704 का एक सपोर्ट है, टिक जाता है बढ़िया बात, अदरवाइज यहाँ पर 48,670 के आसपास, 48,680 के आसपास का एक सपोर्ट नजर आता है, यहाँ पर चीजें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें फिर बाउंस बैक होगी, उस टाइम यहाँ पर देखेंगे, उस टाइम आपको अपने बेस्ट स्टॉक्स को यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखना है, कौन से स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे यहाँ पर आप देखेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप की, ठीक है। तो यहाँ पर मिड कैप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको क्या नजर आएगा, मिड कैप में यहाँ पर देखिए ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ गया, लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो कि टिकेगा नहीं, मुझे लगता है कि 57,844 का लेवल तो आपको यहाँ पर कल मंडे को दिख जाएगा, ठीक है, और अगर इसे भी सस्टेन नहीं कर पाया सीधे यहाँ पर आइएगा 55,400, 55,400 के आसपास यहाँ पर आके चीज टिकेगी, टिक जाएगी अच्छी बात है, और नहीं टिकती तो याद रखिएगा अगेन सीवर हो सकता है, और अगर सीवर होता है तो यहाँ पर इंडेक्स जो मिड कैप है लगभग 7,000 पॉइंट तक यहाँ पर गिर सकता है, 7,000 पॉइंट से ज्यादा ही गिर सकता है, कम नहीं गिरता हुआ नजर आएगा अगर चीजें सीवर होती हुई नजर आई तो। अभी ऐसा मुझे यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिरावट तो नजर आती है क्योंकि टिक नहीं पा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, सीधी गिरावट नजर आती है। स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप डिफरेंट वे में यहाँ पर काम कर रहा था, जहां पर सब अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस सपोर्ट को पहले ही तोड़ चुके थे, ये अभी आके सपोर्ट पर टिका हुआ है। मार्केट में गिरावट हुई है अमेरिकन मार्केट में, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी गिरावट होगी, तो शायद अगर ऊपर ले जाए तो याद रखिएगा फंसाने के चांसेस हो सकते हैं, बैकअप भी बताइएगा, वेट करिएगा 2-4-5 दिन, है ना, जितना हो सके उस हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर यही सपोर्ट है 19,000 का, रुक जाता है ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो मुझे नजर आता है 17,800 और यहाँ पर 17,500 ये लेवल आते हुए दिखाई देते हैं शुरुआत में, ठीक है, जो कि लगभग लगभग अगर हम देखें तो 2,000 पॉइंट से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट दिखती है, और अगर इसे सस्टेन नहीं करता तो लास्ट जो गिरावट होगी ना वो 16,600 के आसपास की गिरावट होगी, ठीक है, और उसके बाद चीजें बाउंस बैक होगी, तो यहाँ पर तो बाइंग करना ही करना है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें क्या सिनेरियो नजर आता है, सिनेरियो ये नजर आता है कि स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब चीज नेगेटिव में है, एज वेल एज यहाँ पर अमेरिकन मार्केट का नैसडैक देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि नैसडैक में भी यहाँ पर प्रॉब्लम ही है, ठीक है, किसी तरीके का यहाँ पर सहूलियत मिल नहीं रही है, यहाँ पर भी गिरावट हो गई है, बट ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है, ये शायद थोड़ा बहुत गिर के बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, बट स्टिल खुश होने की जरूरत नहीं है, शांति से काम करना है। हमने क्या किया, हम यहाँ पर फ्राइडे के दिन मतलब कल के दिन ही हम स्मॉल कैप में काम करते हैं, आपको बताइए हमारे स्मॉल कैप से रिलेटेड ही सारा काम रहता है ना। स्मॉल कैप में मैं हमेशा बताता हूँ जब चीजें भागती है बड़ी अच्छी नजर आती है, जब चीजें गिरती है ना तो ड्रास्टिकली गिरती है, आपके जितने पैसे कमाए हैं सब कुछ छीन लेता है, इसलिए 50 से लेके 70% हम यहाँ पर कैश पे बैठे हैं, ठीक है, 50% से रिलेटेड 70% जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब यहाँ पर कैश पे बैठे हुए हैं, हम पहले ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं, और अब यहाँ पर मार्केट का मूड माहौल देखेंगे,
उसके बाद पैसा लगाएंगे। अभी फिलहाल की डेट में पैसा लगाने का कोई भी मन नहीं है, ठीक है। सितंबर में हम देखेंगे, 15 तारीख के बाद, इस वीक में तो मारकाट शायद मचेगी, ठीक है। हम गलत भी साबित हो सकते हैं, गलत होंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम कैश पे हैं, सही साबित होंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब भी हम यहाँ पर अच्छा सही साबित हो सकते हैं। बट स्टिल कॉपी कैट करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, हमेशा अच्छे तरीके से सीखेंगे समझेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को यहाँ पर आप ध्यान से देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है, ठीक है। मार्केट में भय जरूर है, बट याद रखिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब मार्केट में डर होना तभी यहाँ पर बाइंग करनी है, तो उस चीज का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टस से, और हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ पर करते ही है। तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, और एक डेटा और आप चाहो तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए कि FIs DIs यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनका भी यहाँ पर FIs DIs का डेटा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा बिकवाली हुई है, बट थोड़ी सी ही बिकवाली हुई है, ज्यादा FIs में ज्यादा माल नहीं बेचा है एज कंपेरिजन टू यहाँ पर जिस तरीके से माल बेचते थे, और यहाँ पर हम देखे DIs ने यहाँ पर बाइंग करी है। बट स्टिल याद रखिएगा इन नंबरों पे अभी नहीं जाना है, हमें अभी रियल डेटा पे जाना है। अमेरिका मार्केट में गिरावट हुई है, डेक्सा जब बेचेंगे ना तो ये भी बेचते हुए नजर आएंगे, DIs भी बेचते हुए नजर आएंगे, FIs भी बेचते हुए नजर आएंगे, तो अभी थोड़ा सा शांति से समझदारी से काम करना है, किसी भी चीज को यहाँ पर देख के एक्साइटमेंट नहीं होना है, शांति से काम करोगे, आराम से काम करोगे, पैसे बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट, नंबर दे रखे हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।